मजबूत इरादों के आगे बड़ी से बड़ी परेशानी कमजोर पड़ जाती है। इस बात को साबित किया है गिरिडीह जिले के एक युवा किसान ने। जिले में पहली बार इस किसान ने अनानास की खेती शुरू की। इस युवा किसान के मेहनत के बदौलत 2.5 एकड़ जमीन पर करीब 10,000 से ज्यादा अनानास के पौधे लहलहा रहे हैं। जिले के बेंगाबाद के आस्था गांव के रहने वाले खुर्शीद अनवर हादी और उनके छोटे भाई जफीरुल हसन बजमी को खेती से काफी लगाव है। खेती से लगाव के कारण ये दोनों भाई हमेशा नए प्रयोग करते रहते हैं और इनमें बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल होती है। इन किसान भाइयों की तारीफ आज हर तरफ हो रही है। के बारे में हम लोग सुनते थे और YouTube वगैरह में भी हम लोग देखे कि अनानास की खेती बहुत जगह में होती है, तो अनानास की खेती करने की रुचि थी। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है जिला उद्यान कार्यालय, हम वहाँ गए हुए थे एक दिन, तो वहाँ जो उसके कृषि मित्र हैं रघुनाथ जी हैं और जो जिला उद्यान पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अनानास लगाने का प्रावधान हम लोगों के यहाँ है, उसका जो पौधा है वो हम लोग दे देंगे, बाकी आपको अपने से लगाना है। तो हमको लगा कि जब पौधा मिल जाएगा तो इसको लगाना चाहिए। तो पौधा जो ये है ये उद्यान विभाग के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। बेंगाबाद के BDO मोहम्मद कयूम अंसारी ने बताया कि खुर्शीद अनवर हादी युवा के साथ साथ काफी मेहनती किसान है और इनसे सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं जिले में अनानास की खेती पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव ने बताया कि ये बेहद गर्व की बात है। राज्य सरकार को ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि अनवर हादी ग्राम पंचायत कर्णपुरा के एक काफ़ी मेहनती किसान है और उन्होंने अपने लगन से आज अनानास की खेती यहाँ पर करके दिखाया है। ये अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा, उससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और मैं ये आम किसानों से, जितने भी किसान हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का, जिसमें से आपकी आमदनी दुगनी हो सके, खेत पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जिले के लिए नई चीज़ हुआ है, खुर्शीद जी को तो हम बधाई देते हैं कि इस प्रकार के जो आपने खेती करके नई चीज़ दिखाएं। राज्य सरकार भी ऐसे किसानों को राज्य स्तरीय पर बैठक बुलाकर सब किसानों की बात सुने और अगर इस प्रकार की नई खेती जा रहा है झारखंड में आता है, इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। किसान को जो हम लोग कहते हैं किसान को लाभ पहुंचाना चाहिए, तो ये लाभ पहुंचाने का और एक नई काम लोगों को हाथ में मिलने का अवसर है। राज्य सरकार इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए खुर्शीद जी जैसे नई प्रकार के जो खेती करने आज अनानास के लाए हैं, उनको बहुत सारी हम लोग बधाई देते हैं। उनको अवसर मिलना चाहिए कि और भी नई उन्नति लाए, चूँकि आज 12,000 उन्होंने अनानास का खेती कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।